सभी लोगों का स्वागत है वे ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज जैसा कि है रविवार, तो आज कुछ ना कुछ संडे है, तो आज स्पेशल कुछ हम लोग खाएंगे, या चिकन या अंडा या बिरयानी कुछ भी। तो दोस्तों तो अभी हम लोग बरहमपुर, यहाँ से अभी हम लोग का यहाँ से कम मैंने भी तो और 60 किलोमीटर अभी और जाना है बरहमपुर, उसके बाद फिर गोपालपुर आ जाएगा पार्किंग चित्तौड़। तो दोस्तों तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, माने कि यहाँ देखिए ज़्यादा ठंडा भी नहीं। देखिए सब बंदे लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए सामने में आपको दिखता होगा गाड़ी आ गया इस, देखिए तो सबका सब है इस जगह पे, यानी कि माने कि एकदम यहाँ ठंडा का एकदम नामो निशान नहीं है। हम तो अभी भी सोच रहे हैं पहने हुए, क्योंकि हम जब भुवनेश्वर में थे तो वहाँ ठंडा लग रहा था, पर यहाँ पे तो अभी लग भी नहीं रहा ठंडा। और चलिए अभी ठीक है, मेन बात यहाँ समुंदर है ना, तो यहाँ समुंदर है जिसमें उतना ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है। तो अभी क्या है कि देखिए यहाँ अभी धूप भी हो गया, चलिए वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वही सुबह का धूप है 6 बजे का, तो आप तो जानते हैं 6 बजे का धूप कैसा होता है ठंडा के समय में। और चले तो अभी जा रहे हैं वहीं फटाफट से, पापा भी गए चाय पीने, तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो ले लेते हैं, नमकीन उमकीन रख लेते हैं बैग में, पार्किंग में खाएंगे आराम से अपना, चाहे देख लेते क्या करते हैं। आ गए तो देखिए एक पेटी पानी ले लिए, और ये कुछ नाश्ता हम जो बोले थे लेने का वो ले लिए है। तो चलिए आप सीधा सोच रहे हैं आप सीधा पार्किंग में ही जा करके, या देखेंगे बीच में कहीं मौका मिला तो नाश्ता करेगा पार्किंग में लगाएंगे, देख लेते हैं कैसा क्या होता है। चलिए अब यहाँ से अपना काटता आगे का सफर और लेते हैं यहाँ से। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे अपना रुके ब्रेक लिए, क्योंकि जा रहे थोड़ा नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, तो अभी देखते हैं जाते हैं देखते हैं नाश्ता में क्या होता है। तो जा रहे फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, और ये देखिए जगह जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा रहा नाश्ता दुकान, तो इसी जगह से हम लोग जा रहे अभी नाश्ता करने के लिए। तो चले जाते हैं फटाफट से नाश्ता करते, उसके बाद फिर मिलते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपना आगे सफर। तो देख सकता है हमारा नाश्ता हो रहा है उपमा घुगनी और चटनी, तो चलिए फटाफट से देखिए मिलाते हैं और खाते हैं। चलिए तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग अपना नाश्ता करके निकल गए, और अभी क्या है कि बस देखें यहाँ का खूबसूरत नज़ारा का, आप लोग भी देखें किस तरीके से बीचों बीच में पेड़ उगा है, काफ़ी सही लग रहा है। और तो बस यहीं से माने समुद्र का किनारे, इसलिए पूरा यहाँ पे सजा धजा रहता है। ये आ गया ब्रिज, ब्रिज के बाद आएगा पारादीप का फोर्ट का पार्किंग। तो बस अब हम लोग ज़्यादा दूर है नहीं, काफ़ी बहुत नज़दीक है पहुँचने में, और तो अभी पहुंच के कोई फायदा नहीं है, तो अभी पहुंच के जाकर के हम लोग आराम उराम करेंगे। और तो वही 3 बजे हम लोग का ये वहाँ का एंट्री खुलता है, मतलब कि पोर्ट में जाने के लिए देता है। और ये देख सकते हो उस जगह पे मछली सब पकड़ रहे हैं नौका से। तो चलिए बस सब पहुंचने वाले अपना सफर की ओर। सकते हैं अभी हम लोग अपना आ गए गोपालपुर पार्किंग में। तो देखिए पोर्ट का पार्किंग है, देखिए कितना बड़ा है, पूरा गाड़ी सब जाम है। और तो ये जो गाड़ी सब है, जितना भी गाड़ी आपको दिख रहा है, ये सब गाड़ी सब छूटेगा आपका अभी 11 बजे, तो अभी 9 बज रहा है, तो वही 2 घंटा बाद छूटेगा, तो तब तक 2 घंटा आराम कर लेते हैं, फिर जाना है गाड़ी खाली करने, इसलिए जाते हैं फिर। चलिए तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरीके से, मतलब आगे का जो समुंदर से बालू जो निकालता है उससे बालू बनता है, जो वेल्डिंग रॉड का होता है रॉड, वही बालू से बनता है, चिकनी बालू बोलता है उसको। अब आप हम आपको आगे जाते हैं तो दिखाते हैं, आगे मुसी का काम चल रहा है। चलिए तो वो देख सकते हैं सामने, देखिए पाइप के द्वारा कैसे बालू आ रहा है प्लांट में चिकनी मिट्टी के लिए। तो बस हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं है, तो प्लांट का हम व्यू कुछ दिखा नहीं सकते हैं।
वहाँ पे लिखा है फोर साइड कैमरा सर नॉट अला, तो नहीं दिखा सकते, तो इतना ही दिखा है। चलिए ठीक है, पूछने वाले फोर्ट के अंदर देखिए चेक पोस्ट आ गया हमारा, देखिए वहाँ सामने चेक पोस्ट, तो बस अब यहाँ से पार करना है, फिर सीधा फोर्ट के अंदर का व्यू दिखाएंगे समुद्र का। और आपको मैं अभी अपने वीडियो में दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छा बढ़िया हवा भी चल रहा है बाहर में, तो फोन तो अलाउ नहीं है क्योंकि हम पोर्ट के अंदर में, इसलिए तो देख सकते हैं प्यारा प्यारा नज़ारा। देखिए ये रहा पूरे समुंदर का प्यारा प्यारा नज़ारा, काफ़ी लहर उठ रही है, देखिए तो उस जगह पे है पंप स्टेशन, पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे, खाली होता है के शिप से, और वो रहा नाव, जो नाव वहाँ तो देख सकते हैं। तो देखिए यहीं पे शिप लोड हो रहा है, देखिए बड़ा जहाज का सामने छोटा जहाज लगा पड़ा हुआ है। We'll be right back.